तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम एंड चार्ज 2.5 × 10⁻⁴ कूलम्ब इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड 1.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। कैन वन ऑफ दिस फोर्स इज नेग्लेक्टेड। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है जनरली, ठीक है। इस कारण से ग्रेविटेशनल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने नेग्लेक्ट किया जा सकता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पार्टिकल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। कितना देर लगेगा 40 सेंटीमीटर ट्रेवल करने में। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस। हाउ मच इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इसमें मास का वैल्यू कितने के बराबर दे रखे हैं। मास का वैल्यू दे रखे हैं 1 ग्राम, मतलब 10⁻³ kg हो गया मास का वैल्यू। चार्ज का वैल्यू कितना कितने के बराबर दे रखे हैं, 2.5 × 10⁻⁴ कूलम्ब। ठीक है, तो इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा QE जो लगेगा, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है, तो Q का वैल्यू दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखे हैं, 1.2 × 10⁴, तो कितने के बराबर हो जाएगा, 2.5 × 10⁻⁴ × 1.2 × 10⁴। ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 3 न्यूटन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू मिल गया। ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू देख लेते हैं, तो ये mg आ जाएगा। mg 10⁻³ × 9.8, ठीक है, तो ये बहुत छोटा आ गया ना, ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। इस कारण से ग्रेविटी फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पे नेग्लेक्ट किया जा सकता है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा था। ठीक है, इसके बाद है कि इसको डिस्टेंस तय करने में, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम निकालना है 40 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना तय करना है, 40 सेंटीमीटर × 10⁻² मीटर, यही डिस्टेंस तय करना है ना। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है ये, तो एक्सेलेरेशन कितने के बराबर होगा। ग्रेविटी फोर्स को तो नेग्लेक्ट किया जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने के बराबर होगा, एक्सेलेरेशन कितने के बराबर होगा, जो भी होगा इसके कारण होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होगा, तो ये कितने के बराबर होगा, Fe/m। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर दे रखे हैं, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया 3 और मास का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻³, तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू हो गया 3 × 10³ m/s². तो 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस तय करने में s = ½ at² यही होता है ना, तो पुट कर दीजिए और टाइम का वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, 40 × 10⁻², दैट इज इक्वल टू हाफ 3 × 10³ into t² तो यहाँ से आप t का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आएगा 1.63 × 10⁻²। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है कि इसका स्पीड कितना हो जाएगा, v का वैल्यू, तो v इक्वल टू क्या होता है, u तो 0 है ना, तो at करेंगे बस, a × t, तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू पता है, ठीक है, टाइम का वैल्यू पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4.9 m/s इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने पर। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेट करना है वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 4.9 m/s है, तो ½ mv² − ½ mu² होगा ना, तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पता है 4.9 m², मास का वैल्यू पता है, पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन, तो ½ mv², वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, ½ mv². ठीक है, मास का वैल्यू ये पुट कीजिएगा, वेलोसिटी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था कहाँ पे, यहाँ पे 4.9 का स्क्वायर पुट कीजिएगा, तो यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू मिल जाएगा, ये आएगा अप्रॉक्सीमेट 1.2 जूल। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 48 बन जाएगा।